हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टेपिंग डेस्टिनेशंस। आज मेरा थाईलैंड पे डे 3 और मैं जा रहा हूँ थोड़ा पटाया को थोड़ा एक्सप्लोर करने। कल रात को भी मैं पटाया पे ही था, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं कल कुछ फ्रेंड्स से मिलने गया था और मैं उनके साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर रहा था और वो वीडियो के सामने आना थोड़ा पसंद नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने वीडियो ज़्यादा नहीं लिया। लेकिन आज थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करता हूँ, डे टाइम है अभी, लेकिन मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, ऑलरेडी 12 बज चुका है यहाँ पे। लेकिन मैंने कल क्या बोलते से थोड़ा एडल्ट वाला जो जगह बोलते ना, जो क्या बोलते से वॉकिंग स्ट्रीट, हाँ, उससे अपने फ्रेंड्स लोग के साथ थोड़ा एक्सप्लोर किया था क्योंकि मुझे भी देखना था कैसा होता है। कुछ ज़्यादा कुछ उल्टा फुल्टा नहीं किया, जस्ट एक्सप्लोर किया था, देखा था। सो दैट्स इट गाइस, अभी आगे चलते हैं और देखते हैं आज कहाँ कहाँ घूम सकते हैं और जहाँ भी घूमूंगा वो मैं आपको अपडेट करते रहूँगा और क्या प्राइसेस है, क्या किस तरीके से चीप किया जा सकता है, वो सब आपके साथ शेयर करता हूँ। मिलते हैं, बाय बाय। तो फर्स्ट डेस्टिनेशन जो जा रहा हूँ मैंने वो सोचा है टेम्पल ऑफ ट्रुथ में जाता हूँ, देखता हूँ कैसा आता है। सुंदर तो है, बहुत मैंने फोटोज़ में देखा, अब आगे जाकर देखते हैं। गाइस, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी तो मैंने उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस वीडियो में आप फर्स्ट पार्ट को देखोगे और जो नेक्स्ट जो डे एक्टिविटीज़ होगा वो सेकेंड पार्ट में आपको देखने मिलेगा। वीडियो के एंड तक बने रहिए और वीडियो को आगे देखिए। जो बाइक टैक्सी होता है उसने मुझे ये टेंपल के सामने एग्जैक्ट ला के रोक दिया और मुझे उसका पड़ा सा मेरा अराउंड 54 भाग, जो कि अपने इंडियन करेंसी में देखा जाए तो अराउंड 120 रुपीज़ के आसपास पड़ता है शायद से। ये कोई स्पेसिफिक रिलीजन के लिए मंदिर नहीं है, हर टाइप के लोग लिख के पीस के लिए। तो अंदर जाके थोड़ा एक्सप्लोर करता फिर देखते क्या होता है। सो हॉट, ये काउंटर है जहाँ पे आपको अपना ऑनलाइन टिकट या फिर ऑफलाइन टिकट जो परचेस करना हो यहाँ से कर सकते हो। तो मैंने तो अपना परचेस किया था क्लूक के थ्रू, जिसका मुझे आफ्टर डिस्काउंट पड़ा 800 रुपीज़, यानी कि कुछ देखा जाए तो 350 या 400 बाद जैसा समझ लो। और उसके बाद अगर आप इधर आके करोगे तो थोड़ा महंगा आता है, 500-550 बाद होता है तो बहुत महंगा आता है, इसलिए मैंने ऑनलाइन कर लिया। तो आप भी अगर यूज़ करना चाहते हो तो हमेशा क्लूक यूज़ करना। और मैंने एक पैम्पलेट ले लिया, पैम्पलेट नहीं बोलेंगे इसको, यहाँ का जो मैप है वो, इसमें मैप और इन्फॉर्मेशन नहीं था सब। और मैंने गाइड नहीं लिया तो मुझे खुद ही अपना सब घूमना पड़ेगा। फ़ोटो वोटो ले सकते हो, फ़ोटो वोटो का प्राइसेस कुछ अलग अलग होता है ऐसा कुछ। सो वही अभी जाता हूँ मैं एक्सप्लोर करता थोड़ा और थोड़ा बहुत वीडियो बनाऊंगा। देख, आप बस वीडियो पे बने रहे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। सो द सेंचुरी ऑफ ट्रूथ इज एन अनफिनिश्ड म्यूजियम इन पटाया थाईलैंड एंड इट इज डिजाइन बाई द थाई बिजनेसमैन नेम लेक वीरियाफान। द म्यूजियम स्ट्रक्चर इज अ हाइब्रिड ऑफ अ टेम्पल एंड अ कैसल दैट इज थीम्ड ऑन द अयोध्या किंगडम एंड ऑफ द बुद्धिस्ट एंड हिंदू बिलीव्स। Every surface of the structure is decorated with ornamentation from Thai, Hindu, Buddhist, Chinese and Khmer traditions. Not sure what's going on, I think it's some kind of prayer or exercise they are showing to the foreigners. मैं तो ये सब एक्टिविटी नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। हॉर्स वाला जगह तो एटलीस्ट पार कर लिया और ये एक व्यू पॉइंट है यहाँ से। आप जो टेम्पल को देख सकते हो पास में, देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है देखने के लिए, इतना बड़ा के बहुत सुंदर लग रहा है। और शायद मेरे रेस्टोरेंट है, कुछ खाना तो खा सकते हो अगर भूख लग रहा है तो। ये टेम्पल देखिए इतना प्यारा, इतना लकड़ी से जो बना है डिज़ाइन, सब क्यूट लग रहा है देखने के लिए। सो नाइस। जो टेम्पल है उसके जस्ट पीछे में देखे जो पीच है, क्या सुंदर लग रहा है, बहुत क्लीन है, कितना ओपन है। जहाँ तक मैंने गूगल पे पढ़ा है ये टेम्पल जो है ये 1981 से कंस्ट्रक्शन का शुरू हो चुका था और ये फुली आउट ऑफ वुड बनाया गया है। इसमें मतलब कुछ मेटल या कुछ नेल नहीं यूज़ किया गया है। और इसका जो सबसे ऊँचा चोटी देख रहे हो ना, वो ऑलमोस्ट 30 मीटर हाई है वो। सो ये इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। और ये बनाया गया ज़्यादातर बुद्धिज़्म और हिंदू बिलीफ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसको अंदर में जो भी स्टैचू है, जो भी स्ट्रक्चर्स है, सब मेड आउट ऑफ वुड है। सो ये एक स्पेशल थी इस जगह का। और इसी एरिया में कैसा थीम पार्क है, बच्चों के लिए खेलने की जगह भी है और आगे हॉर्स राइड और हॉर्स राइडिंग का ऑप्शन है और उसके साथ साथ एलिफेंट राइडिंग, ये सब का ऑप्शन है जो सेपरेटली चार्जेबल है और अलग से पे किया जाता है। तो मैं वो एक्टिविटी नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है। मैं आगे जाऊँगा, आगे का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। ये जो टेम्पल है फुली वुडन से बनाया गया, तो इस पर इसका कंस्ट्रक्शन का कोई उतना भरोसा नहीं है। सो कभी भी कुछ भी गिर सकता है क्योंकि आज तक ये इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है सिंस 1981।
सो अंदर में अगर जाओगे तो आपको एक हेलमेट दिया जाएगा, हेलमेट पहनना पड़ेगा। तो मैं नीचे एंटर करता हूँ, आपको दिखाता हूँ आगे का व्यू। अंदर में घुसते ही उन्होंने हाथ में दे दिया एक हेलमेट, इंजीनियर वाला हेलमेट, ताकि कोई इंजरी ना हो यहाँ पे। और इंजरी होना मतलब बहुत ही रिस्की हो सकता है। हाँ, मैं तो बताना भूल गया कि ये जो टेंपल है इसका जो हाइट है ये ऑलमोस्ट 100 प्लस मीटर्स का है, और उसका जो टॉलेस्ट जो पिलर है वो है 30 मीटर्स का। सो काफ़ी एक्साइटिंग है। नीचे उतरते ही हमें पुरानी लकड़ी से बनी मूर्ति दिखती है, जिसमें माँ दुर्गा के द्वारा राक्षस महिषासुर के वध को दर्शाया गया है। ये टोपी तो मेरे सर से काफ़ी बड़ा है, पता नहीं कैसा लग रहा होगा, चंपू लग रहा हूँ मैं, कितना मूव कर रहा है। अगर पता नहीं लकड़ी जब गिरेगा ना तो ये हेलमेट को लेके मेरा सर भी फोड़ डालेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ सेफ नहीं है साला, सब बेकार है। तो आगे जा, अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे एलिफेंट रखे हुए हैं पार्क में, सो यू कैन टेक पिक्चर्स विद देम, और इफ़ यू वांट टू राइड और समथिंग यू हैव टू पे सेपरेटली फॉर इट, देयर इज चार्जेबल, एवरीथिंग इज चार्जेबल। आप देख सकते हैं सामने एक हॉर्स गार्ड भी जा रहा है, सो ऑल एक्टिविटीज आर चार्जेबल। अगर आप पैकेज लेते हो तो बहुत महंगा होता है, जो इंडियन करेंसी 1500 प्लस हो रहा था, तो मुझे इतना नहीं लेना था, मुझे इतना स्पेंड नहीं करना था। सो आई जस्ट टुक द सोलो, जस्ट खुद से घूमने वाला जो भी ऑप्शन है वो लिया मैंने सिर्फ। देख सकते हो एलिफेंट्स सेपरेटली, अगर इस पैकेज को खरीदना चाहते हैं एलिफेंट राइड या सब का, तो इसका चार्जेस समझ अराउंड 400 बात, और एलिफेंट को अगर खिलाना है तो 100 बात का बनाना का जो वो पूरा बंच लेना पड़ेगा 100 बात का, वो खिला सकते हैं एलिफेंट को। अब टेम्पल के मैं और थोड़ा पास जा चुका हूँ। बोला जाता है कि यहाँ पे कोई मेटल या फिर नेल्स का यूज़ नहीं किया गया है, पर यहाँ मुझे जो लकड़ी पे देखिए छोटा छोटा छेद है ना वो दिख रहा है। तो मैं सोचा छेद कैसे बनाएगा, क्योंकि लकड़ी को शेप देने के कुछ लगती है, लकड़ी भी काटनी पड़ेगा, तो उसके नील तो ठोका तो पड़ेगा इनमें कोई सभी इधर शायद से, और यूज़ करके से रखा नहीं गया शायद से, निकाल के फेंक दिया गया, तो इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे मेटल का यूज़ नहीं हुआ है। आ चुका हूँ मैं अभी द सेंचुरी ऑफ ट्रूथ में, देख सकते हैं स्ट्रक्चर मस्त है। मैं थोड़ा रेस्ट ले रहा हूँ क्योंकि बहुत गर्मी है बहुत, इसलिए तो 2 मिनट बाद मैं भी निकलता हूँ यहाँ से, इतने दिनों बाद गोप्रो यूज़ कर रहा हूँ। और इसी के बीच पीछे आप देख सकते हो एक बीच है उधर में, पूरा समुंदर है मस्त। सो बगल में जो स्टैचू, ये जो आर्क डिज़ाइन बना गया है, इसमें रामायण का स्टोरी को भी डिपिक्ट किया गया है, और वही दिखाया गया कि जो गुड होता है वो इविल के ऊपर कैसे विन करता है, उसी स्टोरी को डिपिक्ट किया गया है थ्रू आर्ट के थ्रू। और इसमें देख सकते हैं अलग अलग टाइप के चाइनीज़ गॉड्स है और साथ साथ इंडियन गॉड्स भी है, तो उनका दिखाने का तरीका थोड़ा अलग है लेकिन स्टोरी वही है सेम। फाइनली म्यूजियम को बाहर से एक्सप्लोर करने के बाद मैं अंदर की ओर जाने लगा। आगे के एंट्रेंस में टूरिस्ट सब फोटोग्राफी में और टिकटॉक के रील्स बनाने में व्यस्त थे। लोग फ्रेंडली थे तो उन्होंने मुझे आगे जाने के लिए रास्ता भी दे दिया। अंदर घुसते ही जो म्यूजियम का डिज़ाइन दिखता है उससे आंखें चकाचौंध रह जाती है। आप देख सकते हैं कि कितने मेहनत और बारीकी से हर मूर्ति लकड़ी के खंभों में कलाकृतियाँ की गई है। स्टैचू ये यहाँ के फाउंडर होंगे या फिर कुछ होंगे शायद से। सो आर्किटेक्चर को और थोड़ा पास से देखते हैं, और ज़्यादा टाइम यहाँ स्पेंड नहीं करूँगा, ऑलरेडी यहाँ का थाईलैंड के टाइम के हिसाब से 2 बच्चों की ऑलरेडी, तो मुझे यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। मैं भी सोच रहा हूँ इसके बाद नेक्स्ट जाऊँगा फ्लोटिंग मार्केट में। ओ आप देख सकते हो वहाँ गणेश भगवान का स्टैचू भी उधर में। सो जैसे हमारे हिंदू कल्चर में होता ना कि इंडियन कल्चर में होता है, हम लोग वीकडेज को हम लोग भगवान के या फिर प्लेनेट के नाम पर रखते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो सेम आप यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ मेंशन किया गया है। जो थर्सडे है तो थर्सडे मतलब ये जुपिटर, यानी जो जुपिटर प्लैनेट है उससे रिलेटेड है, और सेम ये फ्राइडे जैसे वीनस माना जाता है, और उसके हिसाब से देखिए हर गॉड को एक रिप्रेजेंट किया गया वीक डेज के हिसाब से। मैंने रामायण में अपने हनुमान का कहानी तो सुना होगा, जिसमें जिन्होंने पहाड़ को उठा लिया था वहाँ जड़ी बूटी लाने के लक्ष्मण का इलाज करने के लिए, तो वो वाला जो कहानी उसे यहाँ पे
चलचित्र या फिर डिपिक किया गया है, आर्किटेक्ट यहाँ अच्छे से बनाया गया है, देख सकते हो। मुझे अभी भी एक लोकल गाइड ने बोला कि टेंपल के अंदर पानी का बोतल अलाउड नहीं है, तो अपने पॉकेट में ढाल लो, हाथ में लेके नहीं घूम सकते क्योंकि वुडन स्ट्रक्चर है, गिरेगा पानी फूलेगा, वुड फूल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यह मैंने भी पॉकेट के अंदर ढाल लिया और बहुत प्यारा स्ट्रक्चर है। मैं चाहता तो था इधर और सा टाइम स्पेंड करो, अच्छा है, मज़ा आ रहा है, लेकिन निकलना पड़ेगा लगता है, बहुत टाइम हो गया ऑलरेडी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया, मिलते हैं नेक्स्ट जगह पे। थोड़ा कुछ क्लिप्स फोटो वोटो लूँगा, अच्छा लगा तो शेयर कर दूँगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। टेम्पल के बाहर आ चुका हूँ, अभी मैं बाहर जाने का सोच रहा हूँ। ये हेलमेट मुझे रिटर्न करना है, थोड़ा बहुत भूख भी लग रहा है क्योंकि सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, देख था एक चॉकलेट खाया था, चॉकलेट बार वही खाया, तो kind of little bit hungry, देखता हूँ। ये हेलमेट कहाँ देना मुझे हेलमेट कहाँ देना, वही जगह ढूंढ रहा हूँ। तो पीछे में हेलमेट रिटर्न करने का जगह है, तो हेलमेट रिटर्न कर दिया, अभी आगे की तरफ निकलता हूँ। यहाँ में बोटिंग वोटिंग याच वाच सर्विस सब है, लेकिन करने का टाइम नहीं है अभी मेरे पास। नेक्स्ट इज फ्लोटिंग मार्केट, उससे पहले देखता हूँ, मैंने सुना था यहाँ पे एक मिनी जू भी है, तो देखते हैं कहाँ है, क्या तो सही है। ओपन फॉरेस्ट एंड, वो वीडियो लंबा हो गया होगा शायद से, मैं ट्राई करूँगा एडिट करके छोटा करने का। ये जो साउंड होता है कीड़ा लोग का, चिर 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 वाला साउंड, बहुत क्यूट लगता है सुनने के लिए, मेरे को गांव का याद आता है थोड़ा बहुत इससे। जो फ्रेश हवा रहा है, क्या मस्त लग रहा है, जंगल के अंदर फ्रेश हवा लेने का कुछ अलग ही मज़ा है। और जैसे धूप में जाऊँगा, इतना ख़तरनाक धूप है कि गला देगा आपको। और मैंने इस बार कुछ हैट कैप कुछ लिया ही नहीं, गलती कर दिया, देखता हूँ आगे कुछ मिलता है नहीं मिलता है। मैं मिनी जू है उसे सर्च करो, देखता हूँ उसमें क्या एनिमल है। एक्सक्यूज मी, बाहर की जो एंट्रेंस या फिर बाहर की तरफ जब निकलोगे जब मंदिर घूम के, तो उधर ही आपको ये मिनी जू दिखाई देगा। इन जू में हिरन विरन सब है, उनका घास खिलाना 20 बार बात है कि नहीं। चेंजेस की कमी हो गया, मेरे पास पैसे की कमी हो गई, पैसा है लेकिन चेंजेस नहीं है। फिर अब मेरा लग जाएगा जब ग्रेव या कुछ करूँगा, तो बहुत महंगा लगने वाला है। यहाँ तो सिर्फ डक दिख रहा है, हिरन हो रहा है, हिरन ओके, वहाँ में हिरन है थोड़ा बहुत, ये गोट बबरे सिंह वाले गोट एंड गोट 600 गोट। इकलौता हिरन ही जो था वो जंगली वाला जानवर बोल सकते, बाकी सब के सब गोट्स थे गोट्स। चलो गाइस, मैं नेक्स्ट एक कैब बुक करता है, फिर जो भी गाड़ी बुक करता है उसके बाद जाता नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, देखता हूँ कहाँ पहुँचता हूँ, मिलते आगे तो के बाय। सो गाइस, इस वीडियो को यही एंड करते, नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड होने वाला है। देन गाइस, फॉर मोर एक्साइटिंग कंटेंट्स डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, आईडी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।